और खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी से आ रही है जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़ी है। आपको बता दें कि हरदोई में चयनित बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष एक कांग्रेस नेता को बनाया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर है। जहां पर चयनित बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष एक कांग्रेस नेता को बनाया गया। कांग्रेस नेता को समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर हरदोई में भाजपाइयों में रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के चयन में शासन को शिकायतें मिली थी, जिस पर कमेटी के द्वारा जांच की जा रही है। खबर ये भी है कि कांग्रेस के नेता को बचाने के लिए पुरजोर मशक्कत की जा रही है। तो बड़ी खबर एक और भी है कि जहां पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एक कांग्रेस नेता को बनाया गया है। बताया जा रहा है कि चयन समिति के सदस्य की मेहरबानी से कांग्रेस नेता को ये मुकाम हासिल हुआ है और उसे बचाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जो बाल संरक्षण आयोग से जुड़ी हुई है, जहां पर हरदोई में चयनित बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष कांग्रेस नेता को बनाया गया है। कांग्रेस नेता को बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपाइयों में रोष व्याप्त और पुरजोर मशक्कत की जा रही है कांग्रेस नेता को बचाने के लिए कि वो इस पद पर जमे रहें।